ଦେନ୍ ସେତେବେଳେ ବି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିଥିଲେ ଭାଇଲେନ୍ସକୁ, ଆଉ ୱିଥଡ୍ର କରିନଥିଲେ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ। ସେତେବେଳେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଦ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅଫ୍ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ। ତ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିଛି ୱିଥଡ୍ର କଲେ ନାହିଁ ଜିନିଷକୁ? ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜେ କହିଲେ କି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ କି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ୱି ଆର୍ ଗିଭିଂ ଦ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ। ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସରେ ଭାଇଲେନ୍ସଟା ପିପଲ୍ସ ମାନେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ବିକଜ୍ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଗ୍ରେଟର ଭାଇଲେନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଉଲ୍ଟା ଅଧିକ ଭାଇଲେନ୍ସର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବିକଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟୁ ତାଙ୍କେ ନିଜକୁ ମିଲିଟେରୀର ତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ, ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଟୁ ଡାଟ୍ ତାଙ୍କେ କିଛିଟା ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସିଡିସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ କି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଏତେ ଭାଇଲେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ରେସ୍ପନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏ ଗ୍ରେଟର ଭାଇଲେନ୍ସ ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ୟୁଜ୍ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ, ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ। ଆଉ ଏମିତି କହିକି ତାଙ୍କେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଷ୍ଟିଫାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୋ ଇ ଆପ୍ରୋଚ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁପ୍ରଭା, ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ? ଓକେ, ସୋ ଗିଭ୍ ଦ ହେଡ଼ିଂ, ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ, ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ଡେସିଜନ୍ ଟୁ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ଡେସିଜନ୍ ଟୁ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? write the following factors. So generally charita factor actually technical issue, I think. Am I audible to you? So four factors are responsible mainly. The first factor was British economy. Britishers manankara economy decline jaithila setebele. ବିକଜ ସେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଟୁରେ ତାଙ୍କେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଯାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ରେନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ଏଡଜଷ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଜନ୍ ୱାଜ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇକୋନୋମି ୱାଜ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ସୋ ମଚ୍ ସୋ ଡାଟ୍ the British were not in a position to continue in India much longer. Am I audible to you?
सेकंड नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट वाज पीक एट दैट टाइम। सो क्विट इंडिया मूवमेंट हला और डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट जाक होतला एग्रीटेशन होतला। सो तो नेशनल मूवमेंट वाज एक्चुअली वेरी मच इंटेंसिफाइड और वाज वेरी मच पीक एट दैट टाइम। सो फॉर एग्जांपल क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जो हिसाब रही थी तहरे तो जानी जाइ थी कि आउ से माने आउ बहुत वायलेंट नेचर भी थी एज वेल एज बहुत गुड़ाए आर्मी पर्सनल्स पुलिस पर्सनल्स रिक्वायर्ड होता फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। सो ब्रिटिशर्स मैंने जान दे कि एवं जिते भी रिवोल्ट जाक जो प्रकार होती संभावाटा बहुत ही कष्ट हो जाए। सो सेकेंड जिनस नेशनल मूवमेंट वाज एक्चुअली वाज वेरी मच पीक एट द पॉइंट एंड वेरी मच इंटेन्सीफाइड वी कैन से। सो क्विट इंडिया मूवमेंट प्रूवड दैट द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया वाज सिंपली द मैटर ऑफ टाइम। इट वाज जस्ट सिंपली द मैटर ऑफ टाइम। क्विट इंडिया मूवमेंट पर समस्त जान जाइए और ब्रिटिशर्स मानक औकात नहीं आमको रूल कर ताके सी पोजिशन नहांती एक्चुअली आउ आज ना काली ताके से मैंने आमको छाड़ी जीपे आमको इंडिपेंडेंस मिलो। सो जस्ट इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम। सो थर्ड फैक्टर यू कैन राइट द ब्रिटिश पिलर, ब्रिटिश मानक पिलर जोड़ा जोड़ा कि आर्मी, ब्रिटिश आर्मी कि ब्रिटिश आर्मी भी जो जहाँ कि मेनली इंडियंस थे से मैंने भी तांकर सपोर्ट आउ धीरे धीरे नहीं जाऊँगी। सो द ब्रिटिश आर्मी वाज एक्चुअली इन्फेक्टेड विद द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश मानकर जो आर्मी थी सी आर्मी रे भी नेशनलिज्म पलि आसाला तेणु एवेन सी आर्मी ब्रिटिश रो सपोर्ट रे नहीं इंडिया रो सपोर्ट रे एक्चुअली जिनस जाक सब देखापे मिलता। सो ब्रिटिश आर्मी वाज इन्फेक्टेड विथ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। फॉर एग्जांपल एक लिखिपर आप इंडियन नेशनल आर्मी भी गोटे जिते जो थी से टाइम रे इंडियन नेशनल आर्मी विच वाज लेड बाय सुभाष चंद्र बोस जी जिंदी काल देख लु आम तो सिंगापुर जो होता धीरे धीरे सिंगापुर जिते सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गले मरी मैंने ये हो गले हेले तांकर जेते भी इंडियन नेशनल आर्मी रे जेते भी वॉलंटियर्स थिले जेते भी सैनिक थिले समस्त को प्रिजनर ऑफ वार कर दिया गला। प्रिजनर ऑफ वार करी से ट्रायल जाको तांकर ऊपर जाको हेला ट्रायल जाको हेला हेले समस्त इंडिया रो जेते भी थिले एज वेल एज द ब्रिटिश आर्मी समस्त एक्चुअली ग्रेवियंस देथिले और सपोर्ट करथिले तांकर सोल्जर्स मानको किछि करने और तांके एक्चुअली भलो पई हमर पई लड़ीथिले तो तांकर प्रति गुडे सहानुभूति समस्त देखैथिले। सो द रेड फोर्ट ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी जो रेड फोर्ट ट्रायल होता सो इट 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 एक्चुअली गैदर्ड लॉट ऑफ सिंपैथी सिंपैथी एंड इट गैदर्ड ए लॉट ऑफ सिंपैथी एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। नेक्स्ट लिखु द ब्रिटिश नेवी, द ब्रिटिश नेवी इटसेल्फ वाज आल्सो इन्फेक्टेड विथ नेशनलिज्म। जोटा कि आम डिटेल एवं पढ़ा भी रिन मिट्यूनि टाइम रॉयल इंडियन नेवी मिट्यूनि तो ब्रिटिश नेवी वाज आल्सो इन्फेक्टेड विथ नेशनलिज्म आउ ये लिख पारे रिन म्यूटिनी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी बॉम्बे सी कोस्ट एक्चुअली स्टार्ट होता आगे पढ़ा आईटा भी एक्चुअली गोटे बिग थ्रेट होता आमती का कहली आपन को सुभाष चंद्र बोस केस रे कि क्लेमेंट एटली तांके निजे कही कि जो आईएनए रो इन्फ्लुएंस रॉयल इंडियन म्यूटिनी रिन म्यूटिनी आईएनए रु इन्फ्लुएंस है कि रिन म्यूटिनी है और रिन म्यूटिनी रु ब्रिटिशर्स मानक फाउंडेशन वीक है और ब्रिटिशर्स मानक फाउंडेशन टा वीक है बिकॉज ऑफ दिस आर्मी और नेवी वाज इन्फेक्टेड विथ नेशनलिज्म। सो तापरे ब्रिटिशर्स मैंने छाड़ा पूरा ताकि आउ सियोर हो गले कि आमको आम आठ रूल करना बिकज आमर आउ से इन्फ्लुएंसटा रही पार ना बिकज आमर जो
पिलर थिला, बैकबोन थिला, जोटा हूँ आर्मी आउ नेवी, दैट वाज आल्सो इन्फेक्टेड बाय नेशनलिज्म। सो दीज आर द मेनली फोर फैक्टर्स जे कि एक्चुअली हाई इम्पैक्ट दे थिला आउ तांके छाड़ी पलैले ब्रिटिशर्स मैंने। आउ सब पॉइंट को टिके टिके एलाबोरेट करेंगे, सब जिन से जानी थे यहाँ तो मुझे कल बतई ऋण मिटिन आज पढ़ा। आउ इकोनॉमी कौन पे डिक्लाइन है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू एंड दिस नेशनल मूवमेंट वाज पीक बिकॉज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। सो नेक्स्ट राइट द ऋण म्यूटिनी बाय रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେଉଁ ନେଭି ନେଭିରେ ଯେ ପର୍ସନାଲ୍ସ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରେଟିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ରେଟିଂ। ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆଲ୍ସୋ ସେ ଟୁ ବି ରୟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଟିଂ ମ୍ୟୁଟିନି। सो बैकग्राउंड जो देखिए यार सो जस्ट से वर्ल्ड वॉर टू एक्चुअली सरी थिला तो वर्ल्ड वॉर टू रे एक्चुअली बहुत गुड़ा रिक्रूटमेंट ही थिला, रिक्रूटमेंट इन द नेवी आर्मी बिकज बहुत सैन्य सामंत सोल्जर्स बेस दरकार। सो डेफिनेटली रिक्रुटमेंट रे मनेकर 1939 रे वार जो स्टार्ट होता से मनेकर एक्स सोल्जर्स मैंने थे। सो ड्यूरींग द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इन द 1946 सैज 10x जाता 10 गुण अधिक बढ़ी जाता। सो जो 9 गुण अधिक लोक आसिले से माने डायरेक्टली इंडियन पॉपुलेशन रो लोक माने आउ किसी नुआ नुआ पॉपुलेशन जाक जो एड हेले से माने बेसी सिंपैथेटिक थिले आउ लॉयल थिले टू नेशनलिज्म, से माने नेशनलिज्म को बेसी प्रिफर करिवे एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी किसी भी जिनसो जदी होउची। सो ई जो मास रिक्रूटमेंट हेतला तार साइज बढ़ी जायतला हेले सेतबेले डिफरेंट सोसाइटी रो डिफरेंट डिफरेंट यूथ कॉलेज रु एजुकेशन रु हो कि एग्रीकल्चरल क्लास हो डिफरेंट डिफरेंट रेस रु रिक्रुटमेंट कर डिस्क्रिमिनेशन करी एक्चुअली रिक्रुटमेंट न करी जीए भी आसला रिक्रुटमेंट पर समस्त को भर्ती हो जाते सब आते बड़े समस्त जो भर्ती कर विथ ए मोटो डैट इट द वार वाज एक्चुअली फाइटिंग फॉर रिस्टोरिंग द वार वाज फाइटिंग फॉर रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। आम डेमोक्रेसी और फ्रीडम पर ही एक्चुअली वर्ल्ड वॉर टू टा लड़ुचु ये मोटो देखिए एक्चुअली ब्रिटिशर्स मैंने चलते थे सब। तो होता कौन इंडियंस मैंने जिते सब रिक्रुटमेंट है इज मै ऑडियो इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू हेलो यस सर। ओके ओके थैंक्स थैंक्स फॉर द कन्फर्मेशन बिकज टेक्निकल इश्यू बहुत गुड़ा देखा मिलूँ। सो ओके सो तो जिनस कौन होता इंडियंस मैंने रिक्रुटमेंट है नेवी रे जे जे थे से माने ग्रीस ग्रीस को लिबरेट करेंगे इटली को लिबरेट करेंगे बर्मा को लिबरेट करेंगे इंडो चाइना वाला रीजन को लिबरेट करेंगे इंडोनेशिया को भी जितिबे से माने जान नथले से माने कोन करचोंती ते सांग तांकू कुआ जायथिले कि वी आर फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। सो से माने सी जागा को माने जितिथिले ए नेवी वाला सब हेले ई सब जिंसो को तांके जितिला पर तांके भाबीबे कि आमे जो एक्सिस रूल रु एक्सिस पावर्स माने जो एठी सब तांकर एक्चुअली इन्फ्लुएंस थिला से मानको हरे कि आमे एटा सब जितिलु आ एमानको लिबरेट करलु एमानको उद्धार करलु। तापर से भाविले हाउ कैन वी बिकम ए लिबरेटर
ଆମେ କେମିତି ଲିବରେଟ୍ ହୋଇପାରିବ? ବୋଧେ ମ୍ୟୁଟ୍ ଟିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହାର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଅଧିକ ଆସୁଛି। ଲିଙ୍କି ପ୍ଲିଜ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ଓକେ ସୋ ହଁ, ତ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ବି ବିକମ୍ ଏ ଲିବରେଟର ଯଦି ଆମର ନିଜର ଦେଶ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ମାନେ ରୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲିବରେଟ୍ କରୁଛୁ? ସୋ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କି ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ବି ବି ଏ ଲିବରେଟର ୱେନ୍ ମାଇ ଓନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ କଲୋନି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ନିଜର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ କଲୋନି ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଲିବରେଟର ହୋଇପାରିବି? ହେଲେ ସେମିତି ସେମାନେ ଭାବିଲେ। ଇଭେନ୍ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବେ, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରୁଥିବେ, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଫିଲ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଇନ୍ ଦ ସେଲେରୀ, ଇନ୍ ଦ ଫୁଡ଼, ଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ଟର, ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ କି ଆମ ସହିତ ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ଫୋ ସରି କ୍ଲୋଥିଂ ଇନ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଯାକ ବି ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ଦେଉନଥିବେ। ସୋ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ସେଲେରୀ ବି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ସେଲେରୀ 5 ରୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା, ଏମାନଙ୍କର ସେଲେରୀ ବହୁତ କମ୍। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲେ, ସେଲ୍ଟର ବି ଭଲ ଦେଉନଥିଲେ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କପଡ଼ା ବି ଭଲ ଦେଉନଥିଲେ। ସୋ ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରେସିଜିମ୍ ପଲିସି। ଇଭେନ୍ ୱାର୍ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ୱାର୍ ସରିଲା ପରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟେଡ଼୍ ହୋଇଗଲେ, ହୋଇନଥିଲେ ବଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସୋ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଲି ସସ୍ପିସିୟସ୍ ଡାଟ୍ ୱାର୍ ତ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମର ଆଉ କି କାମ ଦରକାର ଥିବ, ଆମକୁ ସବୁକୁ କାଢ଼ିଦେବେ, କାଢ଼ିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସବୁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟେଡ଼୍ ହୋଇଯିବୁ। ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାଡ଼ରୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆମର ତାପରେ ଏଇଠି ପତ୍ତା କଟିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ଏଇଠି ଆଉ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ତାପରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ପୁଣି ସେମାନେ ରାଗିଥିଲେ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ପଲିସି। ଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟକୁ ସେଠି ପିକ୍ସଟାଇସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ପିକ୍ସଟାଇସ୍ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କର ଟାଇପ୍ର କମ୍ପାରିଜନ୍, ପିକ୍ସଟାଇସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବେରେକ୍ ମାନେ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟକୁ ପିକ୍ସଟାଇସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ଖାଦି ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଖାଇପାରିବେ ମଣିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଖାଦି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ରେ ବି ଯେଉଁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ଭଲ, ଯେମିତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବି ଏସି ଅଛି, 3 ଟାୟାର 2 ଟାୟାର ତାପରେ ଜେନେରାଲ୍ ଅଛି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସମାନଙ୍କର, ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଗିରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ। ସୋ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ କ'ଣ ମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ବହୁତ ହେଲା, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ବହୁତ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆମକୁ ଏମାନେ କାଢ଼ିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ତ ଚାଲ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ଯଦି ହୋଇପାରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ସୋ ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟିନି ବି କରିପାରିବା ଯଦି କିଛି ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରୁଛି। ତ ତାଙ୍କେ ଭାବିଲେ କି ଆମେ ଆଉ ଟଲରେଟ୍ କରିବା ନାହିଁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏରୋଗେନ୍ସ ନେଚର୍ ଅଛି। ସୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଟିନି ଯାକ ହୋଇଥିଲା, 9 ମାଇନର ମ୍ୟୁଟିନିସ୍ ଯାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, 9 ମାଇନର ମ୍ୟୁଟିନିସ୍। ମାର୍ଚ୍ 1942 ରୁ 1945 3 ବର୍ଷରେ 9ଟା ମ୍ୟୁଟିନି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମ୍ୟୁଟିନି ଯାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ସୋ ୱାର୍ ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରିବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯିବ, ବିକଜ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କମିଯାଇଥିବ। ୱାର୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ ସବୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ଲାଗିଥିଲେ ୱାର୍ରେ, ହେଲେ ଆମେ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଇଦା ହୋଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ୱାନ୍ରେ ଫାଇଦା ହେବ, ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଫାଇଦା ହେବ 1930ରେ, ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ 2ରେ ବି ଫାଇଦା ହୋଇଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ବିକଜ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ ମାନେ ଲାଗିଥିଲେ ନିଜର କାମରେ, ଯୁଦ୍ଧରେ, ହେଲେ ଯାହା ବି କମୋଡ଼ିଟିସ୍ର ଦରକାର ଥିଲା ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହିଁ ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲା। ସୋ ଯେମିତି ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ 2 ସରିଲା, ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାକ ଯେଉଁ ବେଶୀ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏତେ ମାସ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଇଭେନ୍ ସି ପିରିୟଡ଼୍ରେ, ଇ 1942 ରୁ 1945 ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1200ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ସ ହରତାଲ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲିଥିଲା କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ଯିଏକି ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ର ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା।
ଆଉ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ସରିଥିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି ଯେଉଁ ତାର ହିରୋଇଜିମ୍ ଦେଖେଇଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷର ଅଣ୍ଡର ଲିଡ଼ରସିପ୍ରେ, ତାପରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ନିଧନ ହେଲା, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଇଏ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲିଲା, ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍, ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି ଯାହା ବି ପ୍ରିଜନର୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ ଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ବନ୍ଦୀ ବନେଇକି, ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତ ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ରୟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ମ୍ୟୁଟିନିକୁ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ୱି ଆର୍ ଟକିଂ ଅବାଉଟ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ସୋ ନାଓ କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେ ମ୍ୟୁଟିନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେନ୍ ମ୍ୟୁଟିନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼କ୍ସନରେ ଯାହା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ଇଭେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ବି କିଛି ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼କ୍ସନ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କହିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଲି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ରୟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ମ୍ୟୁଟିନି ବିଷୟରେ। ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା HMIS ତଲୱାର, ସିପ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ତଲୱାର, ଜାହାଜ, ଜାହାଜର ନାଁ ହେଉଛି HMIS ତଲୱାର। ଆଉ ସେ ତଲୱାରରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଉ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ କହିଲେ, ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ, କାମ କଲେ ବି ଧୀରେ କାମ କରିବୁ, ଏତେ ଭଲସେ କାମ କରିବୁନି। ତ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖୁ 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 ସେଟା ମୋର ଦେନ୍ 20,000 ରେଟିଂସ କିମ୍ବା 20,000 ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସୋଲଜର୍ସ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ରେଟିଂସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ରିଜନ୍ ଯାକ ଆପଣ ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖିପାରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ କରିଥିଲେ, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଥିଲା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ସବୁଗୁଡ଼ା ଜିନିଷରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା। ଯାହା ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଜନ୍ ଯାକ ହିଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପିକ୍ରେ ପଳାଇ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ନାକରୁ ଉପରେ ହୋଇଗଲା ତେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିବେ ୱାର୍ଲଡ 2 ସରିଲା, ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ରେସିଜିମ୍ ଯେଉଁ ପଲିସି ଥିଲା ସେ ପଲିସି ପାଇଁ, ଥାର୍ଡ଼ ଇଭେନ୍ ସେଲେରୀ ହେଉ, କ୍ୱାଲିଟି ୟୁନିଫର୍ମ ହେଉ କି ଫୁଡ଼ ହେଉ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା। ଫର୍ଦ ରିଜନ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ୱାଜ୍ ଆଲସୋ ପିକ୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଦେମ୍, ବିକଜ୍ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିବରେଟ୍ କଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜେ ଭାବିଲେ ଆମେ କେମିତି ଲିବରେଟ୍ କରିପାରିବା ଏତେ ସବୁ ଜଣକୁ, ଆମେ ନିଜେ ଆମର ଦେଶର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଲୋନୀ ଅଛି, ସୋ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୱି ବିକମ୍ ଏ ଲିବରେଟର୍। ତ ଏଇସବୁ ଭାବନା ଯାକ 4-5 ଲେଖିକି ରିଜନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ରିଜନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ରୟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ମ୍ୟୁଟିନି। ଆଉ ତା'ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ତଲୱାରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, 20,000 ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ବମ୍ବେ ବମ୍ବେର ହାର୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ବମ୍ବେର ହାର୍ବରରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସିପ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ 22ଟା ସିପ୍ରେ ସେଟା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଥିବ ପୁରା 22ଟା ଯାକ, ବିକଜ୍ ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେୟାରିଂ ଦ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସବୁ ସିପ୍ ବାସୀରେ ଯାହା ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କମନ୍ ଗ୍ରିଭିଏନ୍ସ ଥିଲା ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି କ'ଣ କରିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ହେଲେ 22 ସିପ୍ସ ୱାଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଣ୍ଡର ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡ଼ର, ଆଉ ଲିଡ଼ିଂ କିଏ କରିଥିଲା ଏ ରିଭୋଲ୍ଟକୁ, ଏମ୍ଏସ୍ ଖାନ୍ ୱାଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଡ଼ିଂ ଦ୍ୟାଟ୍। ସୋ ଦିସ୍ ୱାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱି ହାଭ୍ ଡିଲ୍ଟ ଅବାଉଟ୍ ଦ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼କ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍। ନାଓ ୱି ୱିଲ୍ ସି ଏ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ୱାଟ୍ ୱାର୍ ଦେର୍ ଡିମାଣ୍ଡସ୍, ସେମାନେ ଯେଉଁ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ କିଛି ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ନା ସେମାନଙ୍କର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ଟୁ ରିଲିଜ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରିଜନର୍ସ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିଜନର୍ସ କରିଦେଇଥିଲେ, ସୋ ଟୁ ରିଲିଜ୍ ଅଲ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରିଜନର୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିର ଯେତେ ବି ପ୍ରିଜନର୍ସ ଥିଲେ ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଅ। ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ଟେକ୍ ଏକ୍ସନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ
अगेंस्ट द कमांडर तांकर जी कमांडर थिले शिप रो सी कमांडर मानकर अगेंस्ट रे किसी रिएक्शन नियो बिकॉज दे आर डूइंग द इल ट्रीटमेंट तांके भल से ट्रीट करू नथले इंडियंस मानों को सो टू टेक एक्शन अगेंस्ट द कमांडर फॉर द इल ट्रीटमेंट और मिस ट्रीटमेंट और इनसल्टिंग देम इंडियंस मानों को इनसल्ट कर दउथला सेमानकर लैंग्वेज को इनसल्ट कर दउथला बॉडी को इनसल्ट कर दउथला तो सेमानकर अगेंस्ट तो किसी एक्शन नियो बिलीव सेकंड डिमांड थिला तांकर थर्ड डिमांड कौन थिला रिविजन ऑफ पे एंड अलाउंस रिविजन ऑफ पे एंड अलाउंस से मैं जो सैलरी बहुत कम थिला तार रिवाइज कर आउ ताकर जो लेवल रे जो ब्रिटिशर्स मैंने अच्छा जितकी अच्छे से भी आमको मिलवा दरकार बिकज वी आर इन द सेम रैंक सो सेम रैंक सेम सैलरी मिलवा कथा वन रैंक वन पेंशन चलती सेम रैंक सेम सैलरी कॉन्सेप्ट भी डिमांड थिला सेमान आरी गोटे थिला कि इंडियन नेशनल आर्मी कि जे भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को तुम रिलीज कला परे तांके तो मास अनएम्प्लॉयमेंट देखा पे मिलो सेमान को एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाओ तो सेमाने एक्चुअली चाहूथले जो इंडियन नेशनल आर्मी रो जित्ते भी लोक अछंदी सेमाने उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाऊ किछि किछि इंडस्ट्री रे आउ लास्ट कुछ बेटर ट्रीटमेंट सबु क्षेत्र रे तांकर जो ट्रीटमेंट अछि से ट्रीटमेंट को बेटर कर दियो सो दीज आर एक्चुअली द डिमांड्स ओके नेक्स्ट टाइटल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इवेंट सिग्निफिकेंस और सिग्निफिकेंस रु क्वेश्चन आसी सारी रॉयल इंडियन नेवी रो सिग्निफिकेंस आसी सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सिग्निफिकेंस कौन फर्स्ट सिग्निफिकेंस कौन इट एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू क्विट इंडिया इंडिया को छाड़ छाड़ा पे फर्स्ट बहुत बड़ा इंपैक्ट गोटे क्रिएट कर पारी आउ सी कोर्ट भी लिखिपर क्लेमेंट एटली रो क्लेमेंट एटली जहाँ कही थे को यूज कर पारे यही जगह भी कि इट वाज द बॉस लेड आईएनए एंड द इंस्पिरेशन ऑफ आईएनए टू द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी विच एक्चुअली वीकेंड द वेरी फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड दे अंडरस्टैंड दैट दे वेर नॉट इन ए पोजिशन टू रूल इंडिया सो क्लेमेंट एटली जो स्टेटमेंट कल मुझे लिखी से स्टेटमेंट को लिखे सो दैट वाज आल्सो एक्चुअली ए सिग्निफिकेंस क्लेमेंट एटली स्टेटमेंटा आप इन तीन टा जगह यूज करेंगे गोटे तो सुभाष चंद्र बोस जिते पचार क्वेश्चन रे यूज करेंगे सेकेंड क्वेश्चन जिते इंडियन नेशनल आर्मी विषय जदि आसे से भी यूज करेंगे और रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी रे भी यूज करेंगे नेक्स्ट सिग्निफिकेंट हूँ थर्ड नंबर पॉइंट यही आमको कम्युनल यूनिटी देखा मिलता कम्युनल यूनिटी तो वन्स अगेन आफ्टर ड्यूरींग दिस पीरियड जेहेतु एत भी यूनिटी नाला बट
ଦାଟ ସିପ୍ରେ ସିପ୍ରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଅଲଗା ଯେତେ ବି ପ୍ରକାରର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲିଜନର ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା, ୟୁନିଟି କହିପାରିବେ, ସଲିଡ଼ାରିଟି କହିପାରିବେ, ଏମିଟି କହିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଡାକିଥିଲି ତମ ଟିକେ କାଲିର PDFରେ ଦେଖିଦେବେ ନହେଲେ, ସେଠି ମୁଁ ନିଜେ ବି ସେଟା ଲେଖିଛି ଟୋଟାଲ। କାଲିର PDFରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଡାକିଥିଲି। ସୋ ହଉ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ବୋସ୍ ଲେଡ୍ INA It was a Bose led INA that within the Delhi. That inspired the Royal Indian Navy mutiny. Which weakened the foundation of British Empire. That weakened the foundation of British Empire and make them believe that they were not in a position to rule India. Yes, sir. No, sir. Thank you, sir. ମୁଁ କାଲି ଡାକିଛି, ଇଭେନ୍ PDFରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଓକେ ଆମେ ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ ଦେଖୁଥିଲୁ। ହଁ ଏସବୁ ଲେଖିବେ ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସରେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ସୋସିଆଲ ବେସିସ୍ ସୋସିଆଲ କ୍ଲାସେସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ବି ହେଇଥିଲା। So these are the actually significance you can write। ତାପରେ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କିଛିଟା ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ, ତାର ବି ସିଗ୍ନିଫିକେନ୍ସ ଯାହା ଏଇଠି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଫ୍ଟର ରାଇଟିଂ ଦିସ୍ 3 to 4 points ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ସେ ଡାଟ୍ କି ବ୍ରିଟିଶ ହେଜ୍ ଟୁ ଡିପେଣ୍ଡ ମୋର୍ ଅନ୍ ଆର୍ମି ଆଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଟୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଦେୟାର ରୁଲ। ଆଉ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଆର୍ମି, ସେମାନଙ୍କର ଫରେନର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆର୍ମି ବେଶୀ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ବିକଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନର ଯାହା ବି ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି ସେମାନେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇସବୁ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଯାହା ପଢ଼ିବେ ସେଇଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ବି 4-5 ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ତ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏନଫ୍। ଓକେ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ରୟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ମ୍ୟୁଟିନି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ ଫ୍ରିଡ଼ମ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରିଡ଼ମ କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳିଲା ଆମର ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ ଫ୍ରିଡ଼ମ। ସୋ ଜଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 1946 ପରେ ଯେଉଁ ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ମ୍ୟୁଟିନି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଆଟଲି ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ରିଟେନରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିକି କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଆଟଲିର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କେ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ମାଇନୋରିଟି ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଆଟଲି ନିଜେ କହିଲେ, ବିକଜ୍ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲା, ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଉଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର୍ ପରେ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଆସିଲା,
ट्रिप्स मिशन परे तापरे धीरे धीरे सीटा भी फेल होगला। ट्रिप्स मिशन फेल होगा परे क्विट इंडिया मूवमेंट हैला। क्विट इंडिया मूवमेंट परे तापरे वेवेल प्लान आसला। वेवेल प्लान रे भी 1945 रे आपणकर वेवेल प्लान आसीबो। सीठी मुस्लिम लीग को राइट टू वीटो पावर दिया जाइथो। राइट टू वीटो जदि से माने जदि इंटरिम गवर्नमेंट तैयारी करचोंदी हले सीठी जो मुस्लिम लीग थिवो सी एक्चुअली सब जिनस रे ऑब्स्ट्रक्ट करिया पई चेष्टा करथुओ। सो से सब जो एक्सरसाइज करथुओ तार राइट टू वीटो पावर जोटा कि मिलथिवो से मानको। सो से माने एक्चुअली किछि भी प्रस्ताव आस्थले ताको इग्नोर कर दउथुवे, ताको एक्सेप्ट करुनउथुवे। सो क्लेमेंट एटली कहब कि माइनॉरिटी हैविंग नो राइट्स टू एक्चुअली डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी लोक मैंने जो अच्छा से फ्यूचर कौन है, से फ्रीडम हो कि ना ता विषय चूज करार अधिकार मुस्लिम लोक एक्चुअली ना। सो मुस्लिम हैविंग नो राइट टू वीटो ओवर द प्रोग्रेस ऑफ मेजॉरिटी। आउे निजे गोटे कैबिनेट मिशन प्लान आने आ गए अलग प्लान, बिकज वेवेल प्लान फेल हो, क्रिप्स मिशन फेल हो, वेवेल प्लान भी फेल हो। वेवेल प्लान फेल हेला मेन हूँ आम कैबिनेट मिशन प्लान, ता विषय टिके टिके जस्ट देखा फ्रॉम मेन्स पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन एत देखा भी मिलू ना, बट कैबिनेट मिशन प्लान टिके इम्पोर्टेंट ही जाऊँ। सो इन मे जून मे जून 1946 मे जून रे ए पीरियड रे कैबिनेट मिशन प्लान आसो इन द 1946 जे कि क्लाइमेट एटली ही एक्चुअली आनी थी। कैबिनेट मिशन प्लान रो बहुत गुड़ा रिकमेंडेशन अच्छी, सब रिकमेंडेशन आम देखा नहीं, बट किंतु मेन मेन रिकमेंडेशन जाक देखा चेस्टा करवा। तो कैबिनेट मिशन प्लान रो फीचर्स लिख पारे आप प्रोविजन्स कौन कौन थी। कैबिनेट मिशन प्लान कौन पर कह जाए फास्ट कथा, बिकज सीठी ब्रिटिश पार्लियामेंटर कैबिनेट मिनिस्टर जाक भी से सो ताकू सेटा कैबिनेट मिशन प्लान बोली कहगला, बिकज ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स जाक एक्चुअली प्लांट एक्चुअली बनेबे फॉर फाइंडिंग आउट ए पीसफुल पॉलिटिकल सॉल्यूशन, गोटे भल पॉलिटिकल सॉल्यूशन बनेबा जो इंडिया को भी इंडिया भी खुशी हेबो आउ पीसफुली आम पावर को ट्रांसफर करदे से आम एक्जिट करवा यूर, बिकज आम तो आउ रूल तो करूँ ना आमको छाड़ी जबार अच्छे आमती भी छाड़ी जापरिवे ना डायरेक्टली। सो एमती गोटे कले पॉलिटिकल पीसफुल सॉल्यूशन गोटे हेबो आउ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हेबो सेटा को मनरे ध्यान रखी से माने एक्चुअली कैबिनेट मिशन रो माने आसीबो। कैबिनेट मिशन प्लान रे कैबिनेट ब्रिटिश मिनिस्टर निजे आसीबे, निजे आसीकि किसी से मानकर रिकमेंडेशन देबे। सो फर्स्ट रिकमेंडेशन यू कैन राइट इट डिनाइड द पार्टीशन, इट डिनाइड पार्टीशन बिकज इट वाज नॉट ए प्रैग्मेटिक डिसीजन। इवन आउ पुणी बैकग्राउंड रे भी देखिया पे मिलबो कि कांग्रेस सब बेले पार्टीशन रो विरुद्ध रे थिवो। सो फर्स्ट रिकमेंडेशन इट डिनाइड पार्टीशन एज इट वाज नॉट ए प्रैग्मेटिक डिसीजन। आउ से समस्त सहित एक्चुअली कथबार्ता है कैबिनेट मिनिस्टर मैंने जिते भी स्टेक होल्डर्स थे इंडिया रे, मुस्लिम लीग हो कि हिंदू महासभा हो, कांग्रेस हो, बी आर अम्बेदकर हूँ, समस्त सहित एक्चुअली कथबार्ता है ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स मैंने आसिकी तापर ये सब रिकमेंडेशन कि फीचर्स जाक देखिए अल्टरनेटिवली कहे पार्टीशन न करी गोटे थ्री टायर स्ट्रक्चर ताके देले, थ्री टायर स्ट्रक्चर अल्टरनेटिवली दे प्रोवाइडेड ए थ्री टायर स्ट्रक्चर और ये जो थ्री टायर स्ट्रक्चर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रखिले ताके सेंट्रल गवर्नमेंट वाज गिवेन ए वेरी वीक पोजिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट वाज गिवेन ए वेरी वीक पोजिशन ओनली विद द पावर, ओनली विद द पावर ऑफ
ओनली विद द पावर ऑफ डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस, ये तीन टा मैटर ही सेंट्रल गवर्नमेंट रे रहइबो। सो जस्ट लिमिटेड टू दिस थ्री मैटर्स, सो द पोजिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज वीक एज कंपेरिजन टू द प्रोविन्सियल। प्रोविन्स रु कंपेरिजन जो करवा टे वीक देखिया पे मिलिवो ड्यूरिंग इन द प्रोविजन ऑफ कैबिनेट कैबिनेट मिशन प्लान। आउ प्रोविंस, प्रोविंस तीन टाइप ऑफ प्रोविंस क्रिएट करा दिवो, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोविंसेस। ताकु ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ग्रुप ए ग्रुप बी और ग्रुप सी। सो ग्रुप ए रे काकु रखिबे मेनली हिंदू मेजोरिटी, हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस जी मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, जिते भी हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस जाक जो अच्छी से मानको ग्रुप ए कैटेगरी रे रखिबे। सेकेंड ग्रुप बी रे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस रहइबो, मुस्लिम मेजोरिटी ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट रो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस जे थिबे सिटी रहिबे। एग्जांपल रे लिखि परिबे अपन सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, पंजाब सिंध नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। सो मुस्लिम मेजोरिटी वाला मने रहिबे ग्रुप बी रे। और थर्ड नंबर ग्रुप सी, ग्रुप सी रे ओनली टू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, टू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, एग्जांपल बंगाल एंड आसाम, बंगाल और आसाम, दैट इज अंडर ग्रुप सी। गोटे थ्री टायर स्ट्रक्चर, थ्री टायर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर देखिया मिलिबो जोटा कि कैबिनेट मिशन प्लान रिकमेंडेशन रे थिबो। नेक्स्ट रिकमेंडेशन लिखिए फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी हेबो जे कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिवो इंडिया। एंड लास्ट फॉर्मेशन ए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जत जे जो पर्यंत कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करी दउ नाही ता पूर्वर गोटे इंटरिम गवर्नमेंट गोटे रूल करिवे, एडमिनिस्ट्रेशन देखिवे इंटरिम गवर्नमेंट। और से इंटरिम गवर्नमेंट रे जवाहरलाल नेहरू आउ भी एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर हेबे गवर्नमेंट रो इलेक्शन, जो इंटरिम गवर्नमेंट रो इलेक्शन पे इलेक्शन तो ही नथिबो एमिति ही जस्ट से माने इनडायरेक्ट इलेक्शन टाइप रो करी जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर कर देबे और डिफरेंट डिफरेंट सब मिनिस्टर थिबे। बट कम्युनल सॉरी हमर मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग जो इंटरिम गवर्नमेंट रे बहुत असुविधा करथुओ। मुस्लिम लीग को एक्चुअली ये प्लान टा पसंद आसी बने बाकी कांग्रेस टा ताकु एक्सेप्ट करी की चलै थिओ जिंस जाको बाकी मुस्लिम माने एक्चुअली पसंद करिवे नै आउ पसंद न करी 16 अगस्त रे 16 अगस्त जे तांके डायरेक्ट एक्शन डे करिवे, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन डे। आउ डायरेक्ट एक्शन डे रो एक्चुअली तांकर प्लान थिला कि नॉन वायलेंस रे ही एक्चुअली करिवो बट सेटा बहुत ही कम्युनल राइट्स जाक देखिया मिलिबो, कम्युनल राइट्स और हिंदू मुस्लिम राइट्स भी कही पारे सब राइट्स जाक बहुत हेबो जिते भी पंजाब सिंध बंगाल आसाम रे सब बहुत गुड़ाए जिनस देखिया मिलो।
କଲକାତାରେ ବି ବହୁତ କିଲିଂସ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରୀ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କିଲିଂସ ଯାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ସେ ସବୁ ରାଇଟ୍ସ ଯାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସୋ ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଥିବ, ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବାର, ସେଇଟା ସେ ଜିନିଷକୁ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବ ସେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନା ମାନେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ, ତାପରେ ଲିଗ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବନି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ, ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ୱେଭେଲ୍ ଥିବେ, ୱେଭେଲ୍ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍କୁ କି ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଟେମ୍ପରେରିଲି ତୁମେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସପୋର୍ଟ କର, ଜିନିଷଟାକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ବଟ୍ ଇନିସିଆଲି ଦେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍, ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲିଆକତ୍ ଅଲି ଖାନ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କରାଯିବ, ଲିଆକତ୍ ଅଲି ଖାନ୍। ତ ଇନିସିଆଲି କିଛି ଦିନ ହେବ କି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ କଂଗ୍ରେସ ମିଶିକି କାମ କରିବେ, ବଟ୍ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ବହୁତ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ବହୁତ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ କହୁଛି, ଏଇଠି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରିଯାଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଯାକ ସରିଯାଇଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନ୍। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଜଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛି କେମିତି ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆସିବ। ସୋ ଲିଆକତ୍ ଅଲି ଖାନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା ପରେ କାମଟା ଚାଲିବ କିଛି ଦିନ, କିଛି ଦିନ କାମ ଚାଲିଲା ପରେ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମିଳିବ, ହେଲେ ଯେତେ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଡ଼ର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ସେମାନେ ଭାବିଦେବେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିକି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସୋ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ବି ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ହଁ, ପାର୍ଟିସନ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଆଉ ହି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଙ୍କ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିସନ୍, ତାପରେ ପାର୍ଟିସନ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା, 20 ଫେବୃଆରୀ, 20 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ସେତେବେଳେ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ 1947ରେ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଏଟଲିର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେବେ କି ଏନି ହାଉ ଆମେ ଜୁନ୍ 1948 ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦେଇଦେବୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଉଡ୍ ଗେଟ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ନେସେସରିଲି ଅପ୍ ଟୁ ଜୁନ୍ 1948। ତ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫାଇ କରିଦେବେ କି ଆମକୁ ଜୁନ୍ 1948ରୁ ଫ୍ରିଡମ୍ଟା ଡେଫିନେଟଲି ମିଳିବ, ସମସ୍ତେ କି ଜାଣିଦେବେ, ଯେମିତି ଜାଣିଦେବେ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା ମିଳିଯିବ, ଆଉ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଥିଲେ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କାଢ଼ିଦେବେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଣ୍ଡର୍ରେ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିବେ କି ଆମକୁ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ଦରକାର, ୱିଦାଉଟ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଫିଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଯେଉଁ ଦେବା ପାଇଁ କଥା ହେଉଛ ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୋ ଆଉ ଥରେ ଭାଇଲେନ୍ସ ଯାକ ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା, କମ୍ୟୁନାଲ ଭାଇଲେନ୍ସ ଯାକ, ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ ନେଇଗଲେ ସେମାନେ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ମାନେ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ରିଜାଇନ୍ କରିକି ପଞ୍ଜାବରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଥରେ ସବୁ ରାଇଟ୍ସ, ମାସ୍ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ଯାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଏତେ ସବୁ କିଲିଂସ ଯାକ ହେବ, କୋଲକାତା କିଲିଂସ ହେବ, ପଞ୍ଜାବ କିଲିଂସ ହେବ, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ। ତ ସେତେବେଳେ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଏଟଲି ଆଉ ଜଣକୁ ପଠେଇବେ, ତାଙ୍କେ ହେଲେ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍, କି ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିକି ଆସ, ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ର ଆସିବାର ଦୁଇଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା କୋଭର୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା, କୋଭର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭର୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା, ଓଭର୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା ଆଉ କୋଭର୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା। ଓଭର୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା ମାନେ ଓପେନ୍ଲି ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ତାଙ୍କର କି ମୁଁ ଆସିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ, ଟୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସ ଦ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରୁଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛି। ବଟ୍ କୋଭର୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା କି ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ କେମିତି ସ୍ମାର୍ଟଲି ଟୁ ସ୍ମାର୍ଟଲି ରିଟ୍ରିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କେମିତି ଆଉ ତ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ, ସ୍ମାର୍ଟଲି ରିଟ୍ରିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆରୁ କେମିତି ସ୍ମାର୍ଟଲି ୱିଥଡ୍ର କରିକି ପଳେଇବା ଏଇଠୁ, ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି, ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ ବି ନ ହେଉ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିସ୍ ମାନେ ବି ଆମକୁ ଦାୟୀ ନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲୁ,
कॉलोनी को तार एक्चुअली फ्यूचर नो डिसाइड करी सो स्मार्टली केमिति एक्चुअली इंडिया को छाड़ी जबार अच्छे तांकर कवर एजेंडा हिडन एजेंडा कहींपर आवर एजेंडा थिला कि एक्चुअली दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट द कैबिनेट मिशन प्लान सो वी कैन से दैट दिस कोवर्ट एजेंडा जो थिला स्मार्टली रिट्रीट करिया पई दैट इज द एस्केपिस्ट टेंडेंसी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर तांके एस्केप हेबा पई चाहूथिले इंडिया रु एस्केप हे कि बंची कि लुची कि केमती पळेबा सी जिंस रे एक्चुअली तांकर बेसी मुंड खेळुथिले सो माउंटबेटन आसीबे फर्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल पाखरे जिबे भलसे कथाबार्ता हेबे तांकर सहित पटेल परे नेहरू जी पाखरे जिबे तांकर सहित भी कथाबार्ता हेबे गांधी जी पाखरे जिबे जिन्ना पाखरे जिबे मुस्लिम लीग पाखरे जिबे समस्तों सहित तो पूरा भलसे डिस्कसन करेंगे माउंट बेटन तापर सब जिनस को बुझे बुझला गोटे प्लान देबे से प्लान को कहते प्लान बल्कन प्लान बल्कन किंवा तांकर ना थिला डिकी बर्ड डिकी बर्ड प्लान भी ताको कहते डिकी DICKIE डिकी बर्ड प्लान बा प्लान बल्कन सी प्लान को प्लान बल्कन भी कहते जस्ट जानी था बिकज क्वेश्चन जाक के माउंट पेटन प्लान न देखी प्लान बल्कन डिकी बर्ड प्लान दे दिए तो इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन टा अलग हो जाए सो जस्ट फॉर योर अवेयरनेस सब जिन लिंक करा जिनटा केमती कौन है तो तापरे से माने डिसाइड गले तापरे माउंट बेटन एक्चुअली प्रपोज कले कि थर्ड जून 1940 तांके गोटे प्लान आनिले तार पूरा फीचर्स भी देखिबे आमे बट जस्ट लिंक करिकी आमे टिके सार दउछु केमती इंडिपेंडेंस मिलला आज आमे दे देबा इंडिपेंडेंस आम देश को सो थर्ड जून 1947 रे माउंट बेटन तांकर प्लानटा आनिले जोटा कि एक्चुअली वीपी मेनन सहित तो मिसिकी तांके तैयारी करथिले वीपी मेनन सहित तो मिसिकी तैयारी करथिबे पुणी वीवी पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल वीपी मेनन वल्लभ भाई पटेल सहित तो मिसिकी आर्लीयर कहली आपको वल्लभ भाई पटेल एक्चुअली जो ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे मुस्लिम लीग तेणु वल्लभ भाई पटेल भावुते कि पार्टीशन करदेलापर ही एक्चुअली शांति मिल गोटे बोथ तांकर जगार रही कि से रूल भी आम कर शांति में आ सब खुशी रहीपर सो देवर एक्चुअली थिंकिंग पार्टीशन तेणु आपको माउंट पेटन प्लान एक्चुअली पार्टीशन प्रोविजन आपको देखा मिल सो माउंट बेटन प्लान आसिबो इन थर्ड जून 1947 आसिला परे ताकु एक्सेप्ट करिवे 18 जुलाई रे 18 जुलाई 1947 रे ब्रिटिश पार्लियामेंट भी एक्सेप्ट करिवो ब्रिटिश पार्लियामेंट 18 जुलाई 1947 रे एक्सेप्ट करिवे तापरे फोर्थ अगस्त 1947 रे ब्रिटिश क्राउन ताकू रेटिफाई करिवे बा ताकू अप्रूवल दे देबे और अप्रूवल देला परे जो माउंट बेटन प्लान जो कि सेटा ही माउंट बेटन प्लान कोई पारिवे बा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 भी कोई पारिवे तार फीचर जाक देखिबा आउ ताकू इंप्लीमेंट करा जिवो हमरो 15 अगस्त रे 14 अगस्त फॉर पाकिस्तान एंड 15 अगस्त फॉर इंडिया आईटा बिकज 14 अगस्त 15 अगस्त कौन पाई होची बिकज ऑफ द टाइम जोन आप ज्योग्राफी रे टाइम जोन पढ़ी थे आमर जो लॉन्गिट्यूड जाक अच्छी लॉन्गिट्यूड हिसाब से टाइम जोन डिफरेंट है तो पाकिस्तान एक्चुअली आमर वेस्ट अच्छी तेणु तांकर एक्चुअली टाइम एक्चुअली अधा राति रे मिलिथिला आउ टाइम जोन रो डिफरेंस लागि एक्चुअली से माने तांकर डिफरेंट टाइम जोन को चूज कर आम आम टाइम जोन को 82.5 डिग्री जो ईस्ट को चूज कर बाकी तांकर टाइम जोन अलग अच्छे तेणु तांकू टिके जल्दी इंडिपेंडेंस मिलता आउ राति तांकर एक्चुअली से 14 अगस्त थिला आउ आमर टाइम जोन हिसाब से आम ये 15 अगस्त थिला बट सेम टाइम रे ही एक्चुअली बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान को एक्चुअली मिलता इंडिपेंडेंस बट बहुत जन इशू टाइम जोन विषय न जाणी ताप विषय भी कंट्रोवर्सी आ सब झगड़ा करुंट ओके छाड़ू मैं देखिए प्रोविजन्स ऑफ माउंट बेटन या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट
जोड़ा कि 3 जून 1947 रे आसला। सो फर्स्ट प्रोविजन लिखिपारे द प्रोविजन फर्स्ट प्रोविजन कौन होता कि इट हैविंग प्रोविजन टू डिवाइड इंडिया इनटू और द प्रोविजन फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया आउ इंडिया उन पाकिस्तान टू डोमिनियन टू क्रिएट टू डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान टू क्रिएट टू डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान सेकेंड लिखे जो दुईटा डोमिनियन हम इंडिया पाकिस्तान रे गोटे फर्मूला निजे कहले कि जो पंजाब असेंबली अच्छी लेजिस्लेटिव असेंबली और बंगाल रो जो लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी जो ठीक एक्चुअली ठीक प्रॉब्लम रोचे कि एक्चुअली किए पाकिस्तान रे जीवो आउ किए इंडिया रे जीवो बाउंड्री रे जाउ छथि ना मुस्लिम आउ हिंदू मानकर मेजॉरिटी 50-50% थिला पंजाब आउ बंगाल रे। सो दे हैड टू टेक ड्यूअल डिसीजन आउ से एक्चुअली डिसाइड करियर अच्छे पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली बोथ हैव टू टेक द ड्यूअल डिसीजन ऑफ इधर टू कोठी इंडिया रे जीवार अच्छे ना पाकिस्तान रे जीवार अच्छे। थर्ड थर्ड प्रोविजन थिला सिंध एंड बलूचिस्तान सिंध रो लेजिस्लेटिव असेंबली आउ बलूचिस्तान रो लेजिस्लेटिव असेंबली आल्सो हैव टू टेक डिसीजन अबाउट द फ्यूचर से मानक भी तांकर डिसीजन निजे नेबा को पड़िबो अबाउट देयर फ्यूचर इधर तांके इंडिया सहित रही पारे किंबा पाकिस्तान सहित रही पारे से मानकू ही चॉइस दिया गला। फोर्थ रे प्लेबिसाइट गोटे कंडक्ट करा जीवो प्लेबिसाइट विल बी कंडक्टेड इन सिलहेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम आसाम रो सिलहेट डिस्ट्रिक्ट रे एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलचेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम ये दुईटा जगह प्लेबिसाइट कंडक्ट हेबो। आउ प्लेबिसाइट कौन जितने वाइडर पॉलिटिकल ओपिनियन दरकार फ्रॉम पीपल पीपल्स मानकर एक्चुअली ओपिनियन जाक जितने पूरा सब पीपल ओपिनियन को गोटे कॉमन जिनस निब प्लेबिसाइट कहती एंड इट इज ए टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डिवाइस यू विल रीड इन पॉलिटी अबाउट दिस। तो प्लेबिसाइट इज ए टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डिवाइस इन विच वी कैन हैव द नॉलेज ऑफ वाइडर पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ द पीपल्स। फिफ्थ प्रोविजन गोटे बाउंड्री कमिशन गोटे या टू क्रिएट ए बाउंड्री कमिशन आउ से बाउंड्री कमिशन डिसाइड कर बाउंड्री टा एक्चुअली कार हिसाब से एक्चुअली कर नेक्स्ट गोटे फंड भी तैयारी करा जीवो फंड आल्सो विल बी क्रिएटेड एंड एंड डिसीजन हैज टू बी मेड टू हाउ दिस फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फंड को क्यों हिसाब से एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करा जीवो बिटवीन द टू डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान केमी फंड को डिस्ट्रीब्यूट करके इंडिया पाकिस्तान एक्चुअली डिवाइड कर विषय में भी चिंता कर। इट आल्सो एबोलिश्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लंडन रे थिला जी इंडियन विषय रे सब देखुला तार काम फाम सब इंडिया रो से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एबोलिश करा जीवो एंड ट्रांसफर ऑफ पावर भी करा जीवो ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटेन पार्लियामेंट टू इंडिया एंड पाकिस्तान। एवोल्यूशन ऑफ वाइसरॉय वाइसरॉय माने जो अपॉइंटेड होते
ତାର ଏଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯିବ, ଆଉ ଭାଇସରୟ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଆଉ ଥରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଅଲସୋ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯିବ ଟୁ ଚୁଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ ଟୁ ରିମେନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଏନ୍ କର କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନ, ନହେଲେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିପାରିବ। ସୋ ତାପରେ ଏତିକି ମିନିମମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ ଲେଖିବେ, ଆଣ୍ଡ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଉଣ୍ଟବେଟନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଆମକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳିଥିଲା। ସୋ ହ୍ୟାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଓକେ, ଆଫ୍ଟର 2 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରିଯାଇଛି ଆମର, ଜଷ୍ଟ କିଛି ଟପିକ୍ସ ଯାକ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ମେନ୍ସ ପରସ୍ପେକ୍ଟିଭ, ଜଷ୍ଟ ଦେଖିକି ତାପରେ ଆମେ କାଲି ଟୋଟାଲି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରିଯିବ ମଡ଼ର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ପର ଦିନଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଯାହା ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟପିକ୍ସକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ, ସୋ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର 2 ମିନିଟ୍ସ, 2 ମିନିଟ୍ସ କହିଦେଉଛି ବଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। Thank you.
वेलकम बैक। सो किसी गुड इम्पोर्टेन्ट टॉपिक जाक अच्छे, फॉर एग्जांपल वुमेन्स मानकर कंट्रीब्यूशन से प्राय क्वेश्चन जाक आसुची। फॉरेनर्स मानकर कौन कौन कंट्रीब्यूशन थिला, अरे ते आसु नहीं बट आसी परिवो। नेक्स्ट प्रेस विषय क्वेश्चन आसे, एजुकेशन विषय क्वेश्चन आसे, लाइक इंडियन सिविल सर्विसेज को भी नहीं के इंटीग्रेटेडली पढ़िया। सो दे जाते फोर मेजर टॉपिक्स जो कि आम टिक रही जाए, और सब जिन भितर क्वेश्चन आसी पारे, इवेन ओपीएससी भी क्वेश्चन जाक पचारि। एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, हमें वेमेन्स विषय देखिया। गोटे क्वेश्चन आसाला एग्जामिन क्रिटिकली अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेमेन डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट्स दे फेस्ड, डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट दे फेस्ड, द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेमेन को विषय एक्चुअली पचार जाइला, डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट बा लिमिटेशन तुम जहाँ अच्छी से बहुत लिमिटेशन जाक, इवेन प्रेजेंटली भी बहुत गुड़ा जगह लिमिटेशन अच्छी, एक्सेप्शन अर्बन एरिया को जो छाड़देबा, इवेन प्रेजेंटली भी रूरल एरिया बहुत गुड़ाए रेस्ट्रिक्शन और से मानों को बहुत ही लिमिटेशंस जाक देखा मिलूँ। सो सीटा ही हमें एक्चुअली डिस्कस करवा। आप कोड देखी भी लिखी पारे, बट मुझे आउ थे कह भी कोड जहाँ भी देखिए लिखिए, क्वेश्चन और डिमांड को देखिक ही कोड जाकर लिखिए। महात्मा गांधी जी गोटे कोड अच्छे, गोटे के कते कोड अच्छे एक्चुअली वेमेन्स पे, आपड़ा जोटा भी देखिए भल लगे से यूज करें। टू कॉल वेमेन द वीकर सेक्स, टू कॉल वेमेन द वीकर सेक्स इज ए लिबल, लिबल LIBEL, टू कॉल वेमेन द वीकर सेक्स इज ए लिबल, इट्स मैन इनजस्टिस, इट्स मैन इनजस्टिस टू वेमेन, इट्स मैन्स इनजस्टिस टू वेमेन इफ बाय स्ट्रेंथ, इफ बाय स्ट्रेंथ इज मीन्ट मोरल पावर, इफ बाय स्ट्रेंथ मीन्स मोरल पावर वेमेन्स आर फार इमेंसुरेबली, फार इमेंसुरेबली सुपीरियर, इमेंसुरेबली सुपीरियर टू मैन। निश्चय आपन को बड़ लगुव बट इट एक्चुअली सुट्स, इट एक्चुअली सुट कर जिते कंट्रीब्यूशन टा जिते इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मुवमेंट लिखे सी कंटेक्स एक्चुअली सुट कर, बिकज वेमेन्स मानकर मास पार्टिसिपेशन देखिया पे मिलुची गांधीजी जो गांधीजी वाज सोल रेस्पोन्सिबल कोई पारे जी कि वेमेन्स मानकु भी मोटिवेट करी उत्साहित करी टू कंट्रीब्यूट इन द फ्रीडम स्ट्रगल मुवमेंट। सो गांधीजी जो कोटेसन लिखाई
कि वेमेन को जदि तुम जदि भावुच वीकर सेक्स बोली सो इट इज ए लिबेल ये गोटे अत्याचार बाईटा गोटे कमजोरी आमर इट्स मेन इनजस्टिस टू वेमेन यहाँ मेन मान एक्चुअली वेमेन सहित इनजस्टिस करदी स्ट्रेन्थर मान हूँ जब मोराल पावर इफ स्ट्रेन्थ इज मीट मोराल पावर सो वेमेन्स ऑन द बेसिस ऑफ मोराल पावर दे आर एक्चुअली सुपीरियर इमेन्सुरेबली सुपीरियर टू मेन बिकॉज सी मोराल पावर ही एक्चुअली मेंटल पावर ही बहुत रिक्वायर्ड हुए इवन इन द सिविल सर्विस प्रिपरेशन हो किंबा आप जो भी क्षेत्र में हो जदि आप मोराल पावर ना हेले आप किसी करें मेंटालिटी मेंटल हेल्थ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट देन फिजिकल हेल्थ मेंटली जिते स्ट्रंग थे से जिनस को हैंडल करें सिचुएसन को फेस करें गोटे परफेक्ट सल्यूशन काढ़ी सिचुएसन बाहरी पारे आ वेमेन्स मानक पाखे से मोराल पावर अधिक थाए ये गांधी जमी भावुले ओके सो सो ब्यूटीफुल कोटेसन इट इज यू कैन यूज दैट अकॉर्डिंग टू योर नीड इन एसे भी ये सब जिन आप यूज करेंगे सो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन कौन लिखे ये कोटेसन तो दे पारे चाहिए आपंकर इच्छा ना इंट्रोडक्शन एमती जनरल इंट्रोडक्शन भी लिखिपर कि वुमेन मान जो जो कंट्रीब्यूशन रही फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट रे सेटा जदि आप कहूना इफ नॉट स्टेटेड देन इट वुड बी इनएडुकेट टू एड्रेस द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जदि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट वुमेन्स मान आसी ना तो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो आप कहते एक्चुअली अधूरा अच्छे सो इट विल बी इफ नॉट स्टेटेड द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इट विल बी इनएडुकेट टू एक्सप्लेन द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट एंड दे हैविंग कंट्रीब्यूटेड जो कंट्रीब्यूशन अच्छे बहुत इमेन्स कंट्रीब्यूशन देखापी अच्छे मिले आपको इमेन्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट वेदर तांके रिवोल्यूशनरीज सहित मिसिके काम कर गांधीजी सहित मिसिके काम कर सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स मानक मिसिके काम कर मैंने प्रत्येक खेल प्रत्येक फिल्ड रे योगदानटा रही और तांके तांके हिसाब से निजे काम कर आउ डायग्राम गोटे बन कि आप साइड रे आंसर ये साइड रे हो गए बॉक्स बन कि लिखिपर कंस्ट्रेंट्स आउ तुम एमती खाली पढ़ी पार ना कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि कू कंडीशन रे तांकर कंट्रीब्यूशन मिली बिकज तांके मेन मैंने जितनी फ्रीडम मिलता सी टाइम रे सेंती फ्रीडम मिलू नथिला कंस्ट्रेंट थिला से पेट्रियार्की बहुत थिला पेट्रियार्की माने तांको बाहर एक्चुअली बाहर दिया जीवो ना अब्सोल्यूट सबऑर्डिनेट बोली तांको कहा जाता सबऑर्डिनेशन अब्सोल्यूट सबऑर्डिनेशन अब्सोल्यूट सबऑर्डिनेशन टू मेन इलिटरेसी नो डिसीजन मेकिंग पावर नो डिसीजन मेकिंग पावर सो बहुत गुड़ाए कंस्ट्रेंट जाक लाइफ रे इवन आप निजर भी लिखिपर लिमिटेशन ऑफ वुमेन डिस्पाइट ऑफ दैट कंस्ट्रेंट ये कंस्ट्रेंट है बट आल्सो दे हैड एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड सो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन मिलबा आपन को बिफोर 1857 रिवोल्ट
ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ 1857ର ରିଭୋଲ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଇନ୍ 1857 ରିଭୋଲ୍ଟରେ ବି ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜ୍ ଇନ୍ 3 ଫେଜେସ୍, ତାହିଁରେ ବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ୱାର୍କ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ୱାର୍କରେ ବି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କେ ସୋସିଆଲ ବେସିସ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖିପାରିବେ ଏଠି, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡ଼ିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପ୍ରି-1857 ରିଭୋଲ୍ଟ। 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୀମା ଭାଇ ହୋଲକର। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ସୋର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଇ ସେଇଟା ବି ନାଁ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବେ, ବାକି ନିଜର ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି କିଛି ସେଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଭୀମା ଭାଇ ହୋଲକର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ 1817 ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ଥିଲା ମାଲକମ୍। ମାଲକମ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହରେଇଥିଲେ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଗୋରେଲା ୱାର୍ଫେୟାର ଟେକ୍ଟିକ୍ସ। ଗୋରେଲା ୱାର୍ଫେୟାର ଟେକ୍ଟିକ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଭୀମା ଭାଇ ହୋଲକର ଏଜ୍ ଏ ୱେମେନ୍ ଇନ୍ ଦ 19th century, ଅର୍ଲି ଅଫ୍ 19th century ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ମାଲକମ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ ଓ ଜିତିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ, ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ ସେତେବେଳେ ତ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ତାଙ୍କେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ନଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ରାଜା ଗଦି ପାଇଁ। ରାଣୀ ଚିନ୍ନେମା ଅଫ୍ କିଟୁର, ରାଣୀ ଚିନ୍ନେମା ଅଫ୍ କିଟୁର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନାଁ ନାଁ ଅଛି, ରାଣୀ ଜିନ୍ଦନ, ବୈଜାଭାଇ ଚୌହାନ, ରାଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ, ଆପଣ 3-4ଟା ନାଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫାଇନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ? ହଁ ସେଇଟା କରୁଥିଲେ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରନ୍ତି ଏଇଟା, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି।
कुमुदिनी बासु, कुमुदिनी बासु, सुबला आचार्य, ओ से कौन करूँ एक्चुअली फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करूँ बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स मैनचेस्टर रे जो साड़ी जाक तैयारी होता फिंगी दूसरे जल्द दूसरे आ हैंडलूम साड़ी जाको को एक्चुअली यूज करिया पे प्रिफर करते तो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करके जल्द दूसरे आ प्रमोटिंग इंडिजिनियस प्रोडक्ट और साड़ीज और गुड्स बट पर गांधीन पॉलिटिक्स गांधीजी जिते बड़े आसवे पार्टिसिपेशन जदि एक्स थी सर 100x हो आफ्टर गांधीजी बिकज गांधीजी जिते बड़े आसवे बहुत इंस्पायर करेंगे वुमेन्स मानक स्पेशली सिस्टर्स ऑफ मर्सी बोली कहते सिस्टर्स ऑफ मर्सी द एपिटन ऑफ एंटायर यूनिवर्स मदर अर्थ मैंने कंपेयर कर मैंने जो हिसाब से रेस्पेक्ट दौले गांधीजी आड्रेस करते सो वेमेन्स मान पार्टिसिपेशन जोटा कि लिमिटेड थी आफ्टर गांधीजी कमिंग इनटू द पॉलिटिक्स बहुत बढ़ी जो वेमेन्स पार्टिसिपेशन So here we can write direct non cooperation movement लिखा दो so in the non cooperation movement कौन example दी पहली थी रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म भी लिखते बिकज दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द रिवोल्यूशनरीज रिवोल्यूशनरीज मानक जो आम पढ़ी इवेन सी प्रीतिलता वडियार कल्पना दत्त अरुणा सैफ अली उषा मेहता यू ना जाक लिखिकी हाँ सीटा क्विट इंडिया मुवमेंट ही आसो अरुणा सैफ अली बट सेपरेट हेडिंग रे भी लिखिपारे कि खाली पैसिव रेजिस्टेंस ही करी नथिले जस्ट बॉयकॉटिंग पैसिव रेजिस्टेंस लिमिटेड यही सब जिनस ना इवेन जिते बड़े वायलेंस मैंने जो रिवोल्यूशनरीज मैंने जो करूँ जहाँपाई एक्चुअली गोटे कॉरेज दरकार से फियरटा नथिबा दरकार मैं से सब कम भी एक्चुअली से मैंने करी सो दे आल्सो पार्टिसिपेटेड द फ्रीडम स्ट्रगल मुवमेंट विथ शोल्डर टू शोल्डर विथ मैन इन द रिवोल्यूशनरी मेथड तापे एग्जांपल जाक मु लिखेदेव ना टेंशन दिखुद फास्ट लिखी दिखुद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप सब सरोजिनी नायडू कस्तूरबा गांधी मणिलाल मणि इवेन ओडिशा रो भी किछि किछि थिले से मानकर भी लिखि परिबे आपण जेंति थिले हमरो मणिलाल गांधी
तो ये सब मेनली गांधीजी पैसिव रेजिस्टेंस मेथड देखो फॉलो करूथिले आउ मेनली पैसिव रेजिस्टेंस रे तांके केमिति एक्चुअली व्हाट आर द मेथड्स दे आर यूजिंग इन द गांधीयन पॉलिटिक्स जैकि पैसिव रेजिस्टेंस थिला। सो देयर आर फाइव वेज इन विच वुमेन्स पार्टिसिपेटेड पैसिवली in the technical issue, just wait a minute. सो वेमेन्स मैंने जो पैसिवली रेजिस्टेंस करुले मेनली पांचटा एक्टिविटी रे एक्चुअली इन्वॉल्व थे। फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स लाइक स्पिनिंग खाकी और वीविंग खाकी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स लाइक स्पिनिंग खाकी। सेकेंड फैमिलियल सेक्रीफाइस फैमिली रे जहाँ भी सेक्रीफाइस थी से मैंने इवेन दौले जिते मेल काउंटर पार्ट बाहर फ्रीडम स्ट्रगल मुवमेंट जाते सपोर्ट करुले। सो बीइंग सपोर्टिव वाइफ्स एंड मदर्स सपोर्टिव वाइफ्स एंड मदर्स बीइंग सपोर्टिव वाइफ्स एंड मदर्स एक्ट लाइक ए पिलर ऑफ स्ट्रेंथ जिते जेल भी पड़ू थे जिते स्वामी तो से डीमोटिवेट न हो दे आर एक्टिंग लाइक ए पिलर ऑफ स्ट्रेंथ दे आल्सो कंडक्टिंग सीक्रेट एक्टिविटीज कंडक्टिंग सीक्रेट एक्टिविटीज सीक्रेट एसोसिएशन जाक तैयारी करेंगे आउ गुड़ाए गुड़ाए सब जे टिके टिके एजुकेशन मिले से मैंने महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान प्रेमचंद ये सब न्यूज पेपर लिटरेचर वर्क जाक पढ़े पॉलिटिकल आइडिया जाक डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल इवेंट को डिस्कस करेंगे आउ पाखे बसिक पेट्रोटिक सॉन्ग्स जाक एक्चुअली से गाइबे तो ये सब जिन मध्यम से कौन करते अवेयरनेस व्हिच इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो अवेयरनेस नेशनल सेंटीमेंट्स ताको एक्चुअली प्रचार प्रसार करुवे। सो मेनली दिस काइंड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे इन द गांधीयन पॉलिटिक्स आउ सब जिनको आप यूज करेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट जमी आप यूज करेंगे इन दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे कौन कौन करुले सब जिन करुले कोऑपरेट आउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे जहाँ एक्चुअली एजेंडा थिला से एजेंडा जहाँ जहाँ आप लिखी थे मुझे लिखी क्विट इंडिया मूवमेंट रू हूँ कि नॉन कोऑपरेशन आउ सिविल डिसोबीडियंस जहाँ जहाँ एजेंडा थिला कि कौन कौन करियार अच्छे से सब जिन भी वुमेन्स मैंने भी फॉलो करुले यूज करुले तो सेठ दुई चार्टा पॉइंट जाक लिखिकी देपर से नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सीठ भी कस्तूरबा गांधी एक्चुअली थे
सरोजिनी नायडू भी थिले, मनीलाल गांधी थिले। सब मिसिकी सल्ट सत्याग्रह करथिले। सल्ट सत्याग्रह कमला देवी गुटे थिले। कमला देवी तांग तो 1,15,000 वेमेन्स मानू मोबिलाइज करी कमला देवी 15,000 वेमेन्स को गेदर करी सल्ट लो को ब्रेक भी करी थिले और प्रोसेशन जाको भी करी थिले। कमला देवी इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये थी पिकेटिंग ऑफ लिक्वर शॉप्स। पिकेटिंग ऑफ लिक्वर सोप बा फॉरेन सोप्स भी लिखी पारे इमें तांगर कंट्रीब्यूशन इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट से भी देखा पे मिल छी। फॉर एग्जांपल द काकोरी ट्रेन राबो काकोरी ट्रेन रेड आर्मरी रेड भी कही पारे आर्म्स। से ट्रेन रे बहुत आर्म्स एमनिक्सन जाऊला और से ट्रेन को एक्चुअली लुटी नहीं थी और सीठी प्रीतिलता वडियार कल्पना दत्त सूर्या सेन दादा सहित तो मिसिकी से कम कर इवन रिवोल्यूशनरी आप डिफरेंट डिफरेंट वुमेन्स जी की जीत रानी लक्ष्मी बाई हजरत महल भीमा बाई होलकर जो स्टार्टिंग रे गुरिला वारफेयर टेक्टिक्स यूज करते हैं भीमा बाई समस्त ना लिखी पारे इवेन सुचेता कृपलानी सुचेता एक्चुअली ना सुचेता रिवोल्यूशनरी नथले सुचेता को एट लिख पारे आप सिविल डिसोबीडियंस रे सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी एक्चुअली नॉन वायलेंट मेथड को यूज करके सल्ट सत्याग्रह रे पार्टिसिपेट करी थिले एंड क्लोज एसोसिएट विद गांधीजी बट रिवोल्यूशनरी नथले। यू कैन राइट अबाउट अरुणा सैफ अली। हाँ अरुणा सैफ अली गोटे सिक्रेट रेडियो स्टेशन गोटे चली थिले कौन कहले मैडम सर मु कहली कि उषा मेहता से के रेडियो करथले अरुणा सैफ तो करनथले। हाँ 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 राइट 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 उषा मेहता एक्चुअली हाँ अरुणा सैफ अली रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी एक्चुअली इन्वॉल्व थे अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी अरे इन्वॉल्व थे। जब आपण मैंने भी एक्टिवली शुणुंत ना सीटा जना पड़ी ओके एमती रिवोल्यूशनरी किसी एमती सब एग्जांपल देखिए लिखे तापर लास्ट रे क्विट इंडिया मूवमेंट विषय लिखे तापर क्विट इंडिया मूवमेंट रे भी जे जे वुमेन्स मैंने थे ये तो आप पारे उषा मेहतार जो सिक्रेट रेडियो स्टेशन तक एक्चुअली चलाउले प्लस अवेयरनेस इनफॉरमेशन इंटेलिजेंस गैदरिंग ये सब कम जगह करूँ क्विट इंडिया मूवमेंट रे गोटे एसोसिएशन हम सी एसोसिएशन रो ना होची मेनली पार्टिकुलरली लेड बाय वुमेन्स वुमेन सेल्फ डिफेंस एसोसिएशन वुमेन्स सेल्फ
सेल्फ डिफेंस एसोसिएशन और महिला आत्मरक्षा समिति। महिला आत्मरक्षा समिति व सेल्फ डिफेंस एसोसिएशन। ये एसोसिएशन र काम थी वो मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस स्पेशली वुमेन्स, मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल वुमेन्स। क्विट इंडिया मूवमेंट पर लिखंतु इंडिया सुभाष चंद्र बोस आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी रे भी गोटे रेजिमेंट थिला झांसी रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। नारी ऑफ झांसी रेजिमेंट आउ से झांसी रेजिमेंटा पर्टिकुलरली लेड बाय वुमेन्स तारे सब वुमेन्स ही थिले। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट आउ रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट वाज एक्चुअली लेड बाय तार हेड एक्चुअली थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल लीड करते रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट विच इज कंप्राइजेस ऑफ स्पेशली वुमेन्स वुमेन्स मैंने ही थी समझ से थी। नेक्स्ट इन द तेभागा मूवमेंट तेभागा मूवमेंट रे भी तांके नारी बाहिनी तैयारी करते नारी बाहिनी नारी बाहिनी एसोसिएशन। तेभागा मूवमेंट जोटा कि 1946 रही थी ला तीन भाग रु गोटे भाग से मानको इंडिगो एक्चुअली लगे बाध्य दे आर फोर्सिबली एक्चुअली एनकरेज टू ग्रो इंडिगो इन देयर फार्म लैंड इट्स अ पीजेंट मूवमेंट एक्चुअली पीजेंट मूवमेंट आठ नारी बाहिनी मैंने अगेन्स्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज अगेन्स्ट द ब्रिटिश से एक्चुअली काम करते फाइट करते खाली एक्चुअली फॉरेनर्स मानक कंट्रीब्यूशन मुझे पढ़ेबी फॉरेनर्स मानक जहाँ कंट्रीब्यूशन आ सी एनी बेसेंट नाम मुझे लिखी आपको सो गोटे सेपरेट फॉरेनर्स मानक जो कंट्रीब्यूशन कौन केमती रही विषय जस्ट आम सोर्टली देखा आठ एनी बेसेंट ना भी मुझे कह डोंट वेरी सो दिस इज अबाउट एक्चुअली वुमेन्स कंट्रीब्यूशन ये मन रखे को भी कंटेंट रे मेनली 150 रु 250 वर्ड्स आप लिखिपर ना ना आप से कंटेंट अच्छे ना ना से ध्यान रखिए और चेष्टा करेंगे पढ़ापी अधिक कंटेंट गैदर करेंगे ना लिमिटेड कंटेंट को कमिटी मल्टीपल जगार यूज कर गोटे भल आंसर लिखा जापर ताऊपर काम कर चेस्ट करेंगे भावे
जो भी जिनस अच्छे कोई कोई जगह आम यूज करपरिया से जिनस को भाविकी कम करें। ओके किसी डाउट अच्छे भितर खाली बाकी जहाँ आम मिसेलेनियस टॉपिक्स जाक जो अच्छी डिस्कस करी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आम विराम देवा आपरे ओडिशा हिस्ट्री आउ अलग अलग सेक्शन जाक को जीवा। हाँ गवर्नेंस को ऊपर किसी मतलब कोई भी नहीं चलता मेरा भी क्वेश्चन आपसे ना अर्जुन के ऊपर का ऊपरी लॉर्ड तलाव से ऊपर जो कर्जन तंगर कंट्रीब्यूशन कौन थिला पचार पूछे हाँ हाँ कर्जन गुटरे हाँ कर्जन मानन क्राफ्ट बट गवर्नर जनरल सोला सही पता से ऊपर प्राय देखिया पे मिलनी ओपीएससी थोड़े क्वेश्चन पचारी थी अवश्य कर्जन ऊपरे बट नॉट इम्पोर्टेंट सबू सबू जिते भी वाइस आसे सब गवर्नर जनरल समस्त पढ़ियाटा इम्पोर्टेंट जहाँ टिके थिबो टिके देखि नेबे नले काली जदि टाइम हो छले मु आपन को डिक्टेट कर देबी मेन मेन जे अछंदी कर्जन गुटे सर इम्पोर्टेंट ही आमर जाउछंदी। जो एटा कंबाइन हेतला गोटे बेंगल रे हेतला आ गोटे 1800 समथिंग कौन कौन ए कहिले दुईटा हेतला ना आमर जो कंबाइन हेतला फेमाइंस जाको फेमाइंस तो 1820 रू नहीं कि 1905 पर्यंत तो। हंड्रेड्स ऑफ फेमाइंस हेबो बहुत गुड़ाए फेमाइंस हेबो से फेमाइंस रे एप्रोक्सीमेटली 127,000 लोक मैंने मरी जाइंट एकॉर्डिंग टू द रेस्पेक्टिव फेमाइन कमिशन्स आउ प्रत्येक गोटे 2 वर्ष रे फेमाइन जाक हो छोट छोट एरिया मेजरली ही आम एक्चुअली फेमाइंस फेमाइंसटा है नहीं कि डिस्कसन फेमेंस हाँ डिस्कशन सेमती वाले काली मोर कर देवा भी ठीक है थिला काली मु आपको फेमेंस भी कर दी। ओके काली फेमेंस विषय ठीक डिस्कस कर देबी। ओके आउ कौन कौन लागू आपण मानू बाकी आमे मोस्टली इम्पोर्टेंट जिते अच्छी टोटल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो पूरा इम्पोर्टेंट जिनस जाक सबू आम गोटे 11टा क्लास हो बोधे मजा लगुच 10टा रू 11टा क्लास और सबू 11टा 12टा क्लास रे आम टोटल सब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को भलसे मेन्स पर्सपेक्टिव देखापी चेस्टा कलु आउ एप्रोक्सीमेटली 90% आम कवर कर देचु बट हेले भी आम जिते कवर करी कले भी क्वेश्चन जाक एग्जामिनेशन हॉल रे किसीटा 2-3टा क्वेश्चन रोक जोटा एक्चुअली आपड़ निजे के पढ़ी नथे शुणी नथे बा शुणी टिके टिके जानते पूरा नॉलेज नथिबो सो सेतेबेले पैनिक हेबेनी बाकी जहाँ कंटेंट अच्छे ही यूज करके केमी से पॉइंट्स हेडिंग्स अलग थी बट कंटेंट भितर से रखिकी चेष्टा करेंगे गोटे आंसर को लिखापी छाड़े ना जमा छाड़े ना छाड़ बिल्कुल ही भी सी ऑप्शन ना आपड़े छाड़ी देने मैंने बहुत जिनस गला आप लिखिंट किसी ना कि डेफिनेटली यू विल गेट 2 to 3 marks दैट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आउ किसी कहार कौन किसी प्रॉब्लम इश्यू हेलो एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू ऐसा सर कार किसी भी इशू प्रॉब्लम प्रॉब्लम किसी नहीं आउ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आई होप पोस्ट इंडिपेंडेंस का अपन करिवे ना स्टार करिवे चेंज कर छंती अच्छा सेमती किसी इंस्ट्रक्शन है नहीं आमे जस्ट आज ही डिस्कस करूँ अच्छा बोले ठीक अच्छे भाभी विल टॉक टू सर एंड डिस्कस कलापर आपन को जना दिया जीवो। ओके एनी अदर प्रॉब्लम इशू और किसी डाउट फ्रॉम रिलेटेड टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री
सो देवश्रिता ओके मैवेरिक वॉज देर, समरेंद्र, सपरिया, शांतिलता, ओके ओके समस्त बुझा पड़ुछी तो जिनस सब क्लियर क्रिस्टल क्लियर जी हो जी ओके ओके सो थैंक्स सब नेक्स्ट क्लास में मिसी आम ठीक अच्छे भलसे पाठ पढ़ू।